वेरी गुड इवनिंग डियर व्यूअर्स ऑफ द चैनल एजुकेयर चैनल, और मैं चंद्र प्रकाश आज न्यूज रूम से पंजाबी यूनिवर्सिटी पटियाला की बातचीत करने वाला हूं आपके साथ। जो पंजाबी यूनिवर्सिटी पटियाला की जो डेटशीट है वो जारी होनी शुरू हो गई है। मई के अंदर आपके एग्जाम्स हैं, मई के अंदर आपके एग्जाम्स हैं, और वो जो डेटशीट्स आ रही हैं उससे यही पता लग रहा है कि भाई आपके जो एग्जाम्स हैं वो ऑफलाइन मोड से ही लिए जाएंगे, ऑफलाइन मोड से ही लिए जाएंगे। और ये इसकी पुष्टि मैं न्यूज़ रूम से आपके साथ कर रहा हूँ। लेकिन अभी जो नई गतिविधि स्टार्ट हुई है, जैसा कि अभी थोड़ी देर पहले मैंने पंजाब यूनिवर्सिटी चंडीगढ़ की बताई, ऐसे ही पंजाब यूनिवर्सिटी पटियाला के अंदर कुछ छात्र नेताएं एकत्रित हो रहे हैं और आज वो जागे हैं, रिड्यूस सिलेबस की बात कर रहे हैं। और जैसे कि लगातार उनके साथ मैं संपर्क बनाया हुआ था, लगभग डेढ़ महीने से मैं आपको लगातार अपडेट्स दे रहा था, लगातार उन पर प्रेशर बना रहा था कि भाई प्रोटेस्ट करो, क्योंकि सिलेबस के अंदर जो कटौती की मांग जो है जायज़ मांग है, ऑनलाइन और ऑफलाइन की मांग अभी इतनी ज़्यादा अहम नहीं है, जबकि हमारी जो मेन समस्या है वो सिलेबस को लेकर है, क्योंकि सिलेबस पूरा होने वाला नहीं था, ये छोटा सेमेस्टर था, और इस कारण से काफ़ी बच्चे चिंतित हैं और अभी भी चिंतित हैं। अभी जो प्रोटेस्ट जो लगातार हो रहा है, अभी शायद गुरु नानक देव यूनिवर्सिटी में भी स्टार्ट होने वाला है, और इसके लिए आप सभी स्टूडेंट से आग्रह है, जो भी वीडियो देखें वो आपस में जुड़े, एक दूसरे के साथ लिंक करें, इस वीडियो को मैक्सिमम अपने ग्रुप में शेयर करें, जिससे कि जो मेरी आवाज़ है वो आप तक पहुंचे और आपकी आवाज़ जो है यूनिवर्सिटी प्रशासन तक पहुंचे, जिसके कारण से आपको राहत मिल सकती है, ऑनलाइन एग्ज़ाम भी हो सकते हैं। और साथ में इसकी भी मान्यता है कि भाई रिड्यूस सिलेबस की बातचीत चल रही है, और मैंने आप भी एग्जामिनेशन कंट्रोलर से बात की तो वहाँ पर भी ये बात सुनने में आ रही कि सिलेबस के अंदर जो कटौती है, जो बच जाएगा सिलेबस उसके अंदर, उसको सिलेबस को शायद काट दिया जाएगा, तो इस तरीके की बात है। लेकिन प्रोटेस्ट करना बहुत ज़रूरी है, और लगातार मैं आपको डेली के डेली अपडेट्स देता हुआ आप तक ये बात पहुंचा रहा हूँ, और आप जैसे कि जुड़ भी रहे हैं चैनल के साथ, और इसीलिए ही ये संघर्ष की आज घड़ी हमारे सामने आई है, और संघर्ष करने पर आपको जो फल है वो मिठाई मिलने वाला है। तो इसी के साथ मैं आपके साथ आज यही बात करूँगा और रूबरू हो रहा हूँ आपके साथ कि सबसे पहली बात, आप एक शांतिपूर्ण ढंग से अपना प्रोटेस्ट चलाएं, और उसके बाद अपनी बात को कहे, और आपकी जो जायज मांग है जैसे कि रिड्यूस सिलेबस और पेपर के अंदर अगर चॉइस की मांग आ जाती है तो आपको काफ़ी हेल्प मिलेगी, चाहे बेशक आपके पेपर ऑफलाइन मोड से हो जाए। कुछ चैनल वाले सिर्फ और सिर्फ यही बात आंक रहे हैं, यही बात बोल रहे हैं भाई कोविड के इस डिपार्टमेंट में इतने केसेस बढ़ गए, कोविड के ये हो गए, लेकिन सरकार के अंदर ये बातचीत नहीं है, सरकार बिल्कुल भी अब लॉकडाउन लगाने वाली नहीं है, और आपके पेपर जो है, मैं फिर से बता रहा हूँ, ज़्यादातर चांसेस ऑफलाइन की तरफ है, ऑनलाइन का जो झुकाव है वो बहुत कम है। प्रोटेस्ट करेंगे तो कुछ हो सकता है हल, लेकिन अभी इसका निर्णय नहीं हो सकता, तो इसीलिए मैं आपको यही बात समझाऊंगा, रिड्यूस सिलेबस की बात करें, और ये एक जेन्युइन मांग है, और जो कि यूनिवर्सिटी प्रशासन भी समझेगा, और इस पर अगर आपका काम किया जाता है तो आपको इसका बेनिफिट मिलने वाला है। तो इसी के साथ ही इस वीडियो को यहीं पर क्लोज करते हैं, अपनी वाणी को विराम देता हुआ सबको गुड नाइट, सबको शुभ रात्रि, आपका दिन कल का मंगलमय हो, और चैनल की तरफ से लाख लाख बधाई, धन्यवाद।